हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बचपन से ही हम ये सुनते हुए आए हैं कि हमें कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को भी किसी भी तरह का दर्द नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ज्यादा समझदार होने की वजह से हम उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कह सकते हैं कि आपको ये सुनने में बुरा लगे, लेकिन ये तो सच्चाई है। हमेशा हमने पढ़ा है कि हम जानवर जैसे होते हैं और इसलिए उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। लेकिन शायद जैसे ही हमें अपना फायदा दिखता है, वैसे ही सारी चीजें भुलाकर हम जानवरों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि जानवरों से ज्यादा आजकल इंसान ही जानवर बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, दोस्तों ये कहानी है पेरू देश की। आपको बता दूं कि इस देश में जानवरों को सर्कस में इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी है। लेकिन इस देश की भी हालत बहुत हद तक हमारे देश की ही तरह है। कहने का मतलब यह है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पॉलिटिकल ताकत है, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की एक सर्कस कंपनी ने अपने सर्कस को बढ़ाने के लिए कई ऐसी चीजें की जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कंपनी ने एक शेर को कैद करके रखा हुआ था। जी हाँ, कहाँ कहा जाता था कि आप इस देश में किसी जानवर को सर्कस के लिए यूज नहीं कर सकते, वहीं खुलेआम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दोस्तों, या तो इस कंपनी का मालिक सरकारी आदमियों को जानता रहा होगा, या फिर सरकारी लोगों को ये पैसा पहुंचाता होगा। दोस्तों, इस सर्कस में ये शेर तकरीबन 12 सालों तक गुलाम रहा। ये देखिए कितना पतला हो गया ये शेर। इसे सर्कस वालों ने इतना परेशान किया कि ये भूल ही गया कि ये शेर है। दोस्तों, उसके बाद इसे सर्कस में हर दिन 12 घंटे काम करना पड़ता था और फिर सलाखों में इसे कैद कर दिया जाता था। यही इसकी जिंदगी हो गई थी और इसी को ये सच भी मान बैठा था। दोस्तों, आपको बता दें कि एक दिन इस घटना की जानकारी एक एनिमल राइट फाउंडेशन वालों को लगी और फिर इस शेर को सर्कस वालों के कैद से निकाला गया। दोस्तों, ये देखिए इसका वजन कितना कम हो चुका है, ये कितना कमजोर हो चुका है। दोस्तों, आजाद होने के कुछ दिनों बाद ही इसकी मौत हो गई। ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। नंबर 2, दोस्तों दूसरी तस्वीर है कनाडा की। यहाँ भी एक भालू को कई सालों तक सर्कस वालों ने कैद करके रखा था। जी हाँ, 10 सालों तक। और इसकी हालत इतनी बुरी थी कि इसे कोई देखकर भी डर जाए। लेकिन कोई कर भी क्या सकता था, इस भालू से भी सर्कस में दिन रात काम कराया जाता था। कभी इसे प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से यह दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। दोस्तों, जब इसके बारे में लोकल ऑर्गेनाइजेशन वालों को पता चला तो उन्होंने इसे जैसे तैसे बचा लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा चाहे कितना भी डेवलप्ड नेशन क्यों ना हो, लेकिन यहाँ भी जानवरों पर बहुत जुल्म किए जाते हैं, और उसे आप इस तस्वीर में भी देख रहे होंगे। जब इस भालू को इनके चंगुल से निकाला गया तो ये बहुत बीमार था, लेकिन बाद में जब इसे वापस जंगल में छोड़ा गया तो उसके बाद मामला ठीक हो गया। शुरुआती दिनों में लगा कि न जाने ये भालू जो इतने दिनों से कैद था वो कैसे जंगल में रह पाएगा, लेकिन इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। तकरीबन 5 महीनों में ही ये भालू फिर से वैसा ही हो गया जिसके लिए जाना जाता है, मोटा ताजा। देखिए कितना बदल गया है भालू इन 5 महीनों में ही। दोस्तों, इस जंगल में इसने कई सारे दोस्त भी बना लिए हैं और अब ये काफी खुश है। नंबर 3, दोस्तों अब नजर डालिए इस कुत्ते पर। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से ये इस गंदी सी जगह पे पड़ा हुआ था। इसे इस घर में लोगों ने कैद करके रखा हुआ था। इस कुत्ते को देखकर कोई भी परेशान हो जाए, लेकिन न जाने कैसे कुछ लोगों ने इसे इस हालत में पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये इतना थका हुआ बीमार लग रहा था कि आपकी आंखों से आंसू निकल आए। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसकी हालत। लेकिन जब इस एजेंसी को इस कुत्ते के बारे में पता चला तो फटाफट भागते हुए इस घर पे आए और इस कुत्ते को केयर सेंटर ले गए। दोस्तों, ये कुत्ता इतना कमजोर हो गया था कि ये ना तो उठ पा रहा था और नहीं चल पा रहा था। जब डॉक्टर्स की टीम ने इसे देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि कई दिनों से इस कुत्ते ने खाना भी नहीं खाया था। दोस्तों, इसकी काफी अच्छी देखभाल की गई, इसे संभाल कर पाला गया, और अंत में अच्छी बात यह हुई कि ये कुत्ता अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ये बच गया। अब ये देखिए कैसे भाग रहा है। एक समय था जब इसे इंसानों ने इतना सता दिया था कि ये बेचारा चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये काफी खुश नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बारे में बात कही जाती है कि वो केयर टेकर जिसने इसकी जिंदगी बचाई उससे ये बहुत प्यार करता है। नंबर 4, दोस्तों ये कहानी है अमेरिका देश की, जहां 2012 में लगातार बारिश हो रही थी। ये बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सब कुछ जलमग्न हो गया। एक तरह से कहा जाए तो पूरे शहर में बाढ़ आ गई। लोग परेशान हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। ऐसे में कुछ लोग जो कि अपने घरों में जानवर पाल रहे थे, उन्होंने अपने जानवरों को छोड़ यहाँ से भागने की सोच ली। दोस्तों, कई घर खाली हो गए, लोग अपनी तो जान बचाने के लिए भाग निकले, लेकिन घरों के जानवर वहीं छूट गए। ये नजारा एक घर का जहाँ 5 बिल्लियां रहती थी। इनकी जान कैसे बची इसके लिए पुलिस वालों को आना पड़ा। जैसे तैसे करके ये सभी पुलिस वाले घर के अंदर पहुंचे
जहां इन्होंने पांचों बिल्लियों को एक रूम के अंदर बंद देखा। इन्हें पकड़ा गया और रेस्क्यू किया गया। दोस्तों ऐसा नहीं कि बस इंसान जानवर को तकलीफ ही देते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके दिल में दया है, जो अपनी जान की तरह ही जानवरों की जान को भी अहमियत देते हैं। दोस्तों आप भी अपनी राय दे सकते हैं हमें कमेंट के जरिए। नंबर 5, दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया भर में कई ऐसे चिड़ियाघर भी हैं जहां परेशानी सबसे ज्यादा है। कई ऐसे लोकेशन हैं जहां चिड़ियाघर बनाना ही नहीं चाहिए था लेकिन बन गया, उसके बाद अब जानवर परेशान हो रहे हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों को, कैसे इन जानवरों को जंगल से निकाला जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक जू बनाया गया था लेकिन जू में ना तो ठीक तरीके से इन जानवरों को रखा जा रहा था और नहीं उन्हें खाना दिया जा रहा था। सभी जानवर तकलीफ में थे, सभी परेशान थे। कई दिनों तक इन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा था, साथ ही कई दिनों तक इन्हें नहलाया भी नहीं जाता था। जिन सलाखों में इन्हें रखा जा रहा था वहां न तो कोई घास थी और न ही इनके लिए सोने का कोई ठिकाना। मिला जुलाकर कहा जा सकता है कि जानवरों की स्थिति नर्क से भी ज्यादा खराब थी। दोस्तों जब इन्हें जू से बाहर निकाला गया उस समय ये इतने खूंखार हो गए थे कि इन्हें इंजेक्शन देकर सबसे पहले सुलाया गया और उसके बाद ही निकाला गया। सबसे ज्यादा परेशानी टाइगर को निकालते समय हुई। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 2 दिन लग गए इस टाइगर को जू से निकालने में, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इन जानवरों की जान बचा ली गई। बहुत मेहनत लगी लेकिन कई जानवरों की जिंदगी को दोबारा खुशहाल बना दिया गया। दोस्तों इस घटना से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि कई इंसान इतने कठोर दिल के हो गए हैं कि उन्हें किसी और को तकलीफ देने में कोई परेशानी नहीं होती। वहीं इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि जानवरों को भी तकलीफ में देखकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। नंबर 6, दोस्तों कई ऐसे लोग होते हैं जो कि जानवरों को बेचने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाला रेस्क्यू टीम के साथ घर की तलाशी लेने जा रहा है। उसे पता है कि घर के ओनर ने बहुत सारे जानवरों को गंदी हालत में घर के अंदर पकड़ कर रखा है और जैसे ही कोई ग्राहक इन्हें मिलता है उसे ये बेच देते हैं। इनके लिए जानवर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। लेकिन जब इनके घर की तलाशी ली गई तो देखिए यहाँ का नजारा, कितनी गंदी सिचुएशन में थे यहाँ के तमाम जानवर। ये इतने डरे सहमे थे कि इन्हें इनके क्यूब से बाहर निकालने में भी परेशानी हो रही थी। दोस्तों इस घर से तकरीबन 20 जानवरों को निकाला गया। इस घर से निकाले गए सारे जानवर बीमार थे, उनकी देखभाल कभी हुई ही नहीं। लेकिन आज इनका अच्छा दिन था, आज के बाद ये आजाद होने वाले हैं। ये देखिए कैसे जानवर पुलिस वालों के आसपास आने से डर रहे हैं। दोस्तों इतनी तकलीफ किसी को नहीं देनी चाहिए। जानवरों से आप पैसे जरूर कमाएं लेकिन पैसे के पीछे इतने अंधे भी ना हो जाएं कि आपको सही गलत दिखे ही ना। नंबर 7, दोस्तों ये कहानी है ब्राजील की, जहां कुत्तों का एक ओनर इन्हें डॉग फाइट के लिए यूज करता था। जी हाँ दोस्तों, ये ब्राजील में बड़ा फेमस है लेकिन सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब एक घर से कई सारे कुत्तों को रेस्क्यू किया गया तो उस समय का नजारा ही अलग था। कई कुत्तों की हालत इतनी बुरी थी कि वो बेचारे चल ही नहीं पा रहे थे, वो जैसे तैसे जी रहे थे। दोस्तों कई कुत्तों के मुंह से लेकर हाथ पैर हर जगह चोट आई हुई थी, कई कुत्ते खून से लथपथ नजर आ रहे थे। ये सब इसलिए था क्योंकि हर रात इनका ओनर इनके बीच डॉग फाइट करवाता था और जो लोग इसे देखने के लिए आते थे वो उनसे पैसे लेता था। दोस्तों जब यहाँ के कुत्तों को डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि सब के सब किसी न किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। दोस्तों इसके मालिक को तो अरेस्ट कर लिया गया लेकिन जो तस्वीर हमारे सामने आई है उसे देखकर कोई भी परेशान हो जाए। आखिर कोई कैसे इन कुत्तों के साथ इस तरह का सलूक कर सकता है? आखिर कैसे कोई अपने फायदे के लिए इन कुत्तों को आपस में लड़ाकर मरने के लिए छोड़ सकता है? दोस्तों इसमें गलती ब्राजील की सरकार की भी है। उनकी नाक के नीचे इस तरीके की घटिया हरकत चल रही थी लेकिन सरकार को भनक तक नहीं लगी इसकी। नंबर 8, दोस्तों पेरू में 47 घोड़ों को एक साथ खेत में काम करने के लिए रखा गया। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इनके साथ हुआ क्या होगा। इनसे दिन रात काम करवाया जाता था लेकिन इनको कुछ दिया नहीं जाता था, न तो खाना खाने का ठिकाना और न ही सोने का। जरा इन घोड़ों को आप खुद ही देख लीजिए, ये किस तरह से सूखते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये घोड़े नहीं बल्कि घोड़ों के कंकाल हों। इनकी हालत बहुत दर्दनाक थी, इनको जैसे तैसे रेस्क्यू टीम ने बचाया। हालांकि इनकी हालत इतनी खराब थी कि इन्हें दोबारा नॉर्मल होने में कई महीने लग गए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप हमें कमेंट करके इस वीडियो पर अपनी राय दे सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, हम आपके लिए इसी तरह की कई सारी वीडियोज बनाते रहते हैं।